क्या आपने गाइस कभी थर्मल कैमरा देखा है किसी स्मार्टफोन में? ये देखो मेरा हाथ, इसमें मस्त तरीके से ब्लड फ्लो कर रहा है और यहाँ पे आपको फोन में दिखाई पड़ रहा होगा। इसके बारे में आपको बात बताता हूँ। फिलहाल आज हमें बात करनी है बेस्ट 5G फोन्स की, जो आप बाय कर सकते हैं सस्ते दाम में, यानी कि 10,000 से लेके 20,000 में, बेस्ड ऑन योर नीड। आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा फोन आपके लिए, समझ गए। लेट्स स्टार्ट गाइस फर्स्ट विद द बेसिक 10,000। अगर आपको सबसे कम प्राइस में एक अच्छा 5G फोन चाहिए, ऑफ कोर्स इस रेंज में आपको बहुत अच्छे फोन नहीं मिल सकते हैं। मोटो का सबसे फ्रेश फोन लॉन्च हुआ है G45। बेसिकली ये रीब्रांडेड फोन है G34 का। थोड़े मोटे आपको मैं स्पेक्स बता देता हूँ। देखो, दिखने में फोन अच्छा है, वीकेंड लेदर में आपको ऑप्शन मिलता है, होल्ड करने में अच्छी फीलिंग देने वाला है। LCD पैनल है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। जो CPU यहाँ पे दिया गया वो स्नैपड्रैगन का 6S Gen 3 है। बैड आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है जो अच्छा काम करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए परफॉर्मेंस सही रहती है। 1+2 का है, यानी कि एक ही मेजर अपडेट मिलेगा। ये इसकी छोटी सी कॉन्स हो सकती है, बट आई थिंक इस प्राइस में आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। कैमरा देखो क्या है कि डिसेंट कह सकते हैं, CPU उतने पावरफुल इसका नहीं है, तो थोड़ा बड़ा लैग आपको मिल सकता है फोटोज खींचते वक्त, अदरवाइज इट्स ओके। 5000 mAh की बैटरी है, स्टॉक फोन है तो 150 दिन बड़े आसानी चल जाएगा। 20 वाट का चार्जर मिलता है, वो भी एक्सेप्टेबल है इस प्राइस रेंज में। सो मेरी तरफ से सजेशन ये रहेगा कि आप G45 लेना ही चाहते हैं तो आप कुछ दिन रुक जाइए, मे बी लाइक 15 डेज। आपको G34 जो कि एक्जैक्टली सेम फोन है, वो भी एंड्रॉइड 14 से लॉन्च हुआ था, उसमें आपको ऑलरेडी डिस्काउंट मिल जाएगा, लाइक मे बी 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, तो आप 9,000 रुपये तक भी वो फोन बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट फोन जो आप कंसिडर कर सकते हैं, आई थिंक ये बहुत ही सही फोन है, और ये रहा गाइस लेटेस्ट ओप्पो का K12X। इस फोन में जो फीचर दी गई है वो आपको किसी फोन में नहीं मिलता है, इससे महंगी रेंज में भी। ये ऑफिशियली एक ड्रॉप रेजिस्टेंट प्रूफ है, ऑल्दो मैंने चेक नहीं किया, बट यहाँ पे MIL 810H का सर्टिफिकेशन मिलता है जो कि इस फोन को थोड़ा सा बेटर बनाता है। बाकी ओप्पो का फोन जानते हो, लुक अच्छा होता है, स्टाइलिश होता है फोन, मज़ेदार फीलिंग आपको दे सकता है। कूल पार्ट गाइस इसमें ये है कि इस फोन का जो कैमरा है ना, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। एटलीस्ट इस प्राइस रेंज में जनरली कैमरे अच्छे नहीं मिलते। डिस्प्ले भी इसका LCD वाला है, CPU है डायमेंसिटी 6300 है, 5000 mAh की बैटरी मिलती है। कूल पार्ट क्या है कि इस बॉक्स में आपको 45 वाट का चार्जर मिलता है। एक फोन है जो भी नया लॉन्च हुआ है, HMD क्रिस्ट, मैंने आपको सबसे पहले अनबॉक्स दिखाई थी, आपने देखा भी होगा। इस फोन ने कमाल की फीचर किया गाइस, ये आई थिंक ओनली फोन है इस प्राइस रेंज में जहाँ पे आपको 50MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, लाइक 50MP के आप क्रेजी सेल्फीज ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको ओजो ऑडियो का सपोर्ट मिलता है जिससे आउटडोर की नॉइज वॉइस ना बहुत कुछ खत्म हो जाती है। वैसे ये आपका स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन है, परफॉर्मेंस के लिए यूनिसॉक का CPU दिया गया है, बट ये 90Hz का डिस्प्ले है और यहाँ पे कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलेगा या सिक्योरिटी पैच मिलेगा। प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं गाइस, और 13,000 में आपको बहुत ही अच्छा फोन दिखा रहा हूँ। देखो, दो फोन एग्जैक्टली सेम है, ये है IQ Z9X, Vivo T3X। लुक वाइज देखा जाए आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा मजेदार लग रहा है, तो आप इसको हटा सकते हैं, बस प्लेटफॉर्म अलग है, बाकी फोन एग्जैक्टली सेम है। बस फोन ने कमाल किया, अगर आपको रियली बिग बैटरी फोन चाहिए इस प्राइस सेगमेंट में जिसका बैकअप बहुत ही जबरदस्त है, बिग डिस्प्ले चाहिए, ऑफकोर्स LCD है बट 120Hz है, तो आपका काम इसमें हो जाएगा। स्नैपड्रैगन का 6th Gen 1 है, UFS 2.2 है, परफॉर्मेंस इसमें अच्छी मिलेगी, नो प्रॉब्लम दैट। कैमरा भी इसका डिसेंट आप कह सकते हैं, जितना हमने टेस्ट किया है इस प्राइस में आई थिंक इट्स ओके। 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिल रहा है, ऐसा नहीं कि 1 दिया जा रहा हो या दिया ही ना जा रहा हो, ये भी यहाँ पे अच्छी बात है। सबसे सस्ते में आप एक कर्व डिस्प्ले का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो इंडियन ब्रांड का फोन आया गाइस, लेटेस्ट फोन है लावा का Blage X। देखो, स्लिम ट्रिम फोन है, बैक और फ्रंट दोनों कर दिया गया, तो आप मजेदार यहाँ पे कर्व डिस्प्ले का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, तो आपको ना लगेगा कि प्रीमियम फोन चला रहे हैं। बाकी ये कम्प्लीटली स्टॉक फोन है, कोई भी एडिशनल आपको ब्लोटवेयर नहीं मिलते हैं, परफॉर्मेंस बहुत ही सही मिलती है। डायमेंसिटी के 6300 CPU आप देख सकते हो, बिंदास चल रहा, बिकॉज स्टॉक फोन है ना, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही सही आती है। 120Hz से AMOLED है, आप बिंदास उसको आउटर इंडोर में मीडिया कंज्यूम कर सकते हैं। कूल पार्ट ये है कि यहाँ पे आपको 64MP मिलता है, जनरली हर जगह आपको 50 मिलते हैं, यहाँ पे 64 मिलता है, वो भी सोनी के सेंसर है, तो आप यहाँ से अच्छे खासे शॉर्ट्स भी ले सकते हैं। बाकी लावा में आप जानते हो बेस्ट पार्ट क्या है गाइस, कि आप घर बैठे इस फोन को रिपेयर करवा सकते हैं, इनके सबके फोन में कुछ भी दिक्कत आती है। लेट्स ट्राई गाइस अनदर स्मार्टफोन, ये रहा, पहचान आप नहीं पा रहे होंगे, ये है CMF Phone 1। बाय द वे मैंने इसमें स्किन लगा रखी है और फ्रंट पे एक स्क्रैच प्रोटेक्टर लगा रखा है जिससे आपके फोन के डिस्प्ले पे कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ने वाला, ये मैंने खुद खरीद के लगा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप आराम से बाय कर लीजिएगा, बिकॉज इस फोन ने बड़े आसानी से स्क्रैचेस ले जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अदर गुड फैक्टर CMF Phone 1 में। देखो, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराई भी हैं, आप रिव्यू देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, कूल पार्ट क्या है कि ऑफकोर्स ये थोड़ा सा स्लाइटली मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है, तो वो अलग चीज़ होती है। डिस्प्ले इसका बहुत ही अच्छा है,
2000 निट्स की फुल आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है, सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज, साइज भी बड़ा है जो कि आपको इंडोर आउटडोर में सही विजिबिलिटी दे सकता है। ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं मिलेंगे, स्टॉक एंड्रॉइड वाला आपको मजा यहाँ पे चाहिए तो आप ले सकते हैं। और 2+1 का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, एंड्रॉइड 14 से लॉन्च हुआ है, 15-16 तक जाएगा बड़े आसानी से, कोई इशूज़ की बात नहीं है। डोमेस्टी 7300 है, 7200 से थोड़ा आप कह सकते हैं अंडर भी मान सकते हैं, लोगों का ऐसा कहना है, बट जो है तो है। गेमिंग परफॉर्मेंस की ठीक ठाक मिलेगी आपको, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, 60 FPS चलेगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं चलने वाला है। 5000 mAh की बैटरी है, सैड पार्ट है कि बॉक्स में कोई चार्जर नहीं है। कैमरे की बात करें तो ड्यूअल कैमरे का सेटअप दिया गया है, फोटोज़ की अच्छी लेता है, आई डोंट थिंक सो कि बैड लेता है। कुछ कमियाँ हैं, कुछ अच्छाइयाँ मैंने आपको दोनों बता दी। लेट्स टॉक अबाउट गाइस कैमरा। अगर आपको सस्ते दाम में एकदम तगड़ा वाला कैमरा चाहिए ना, जिसकी क्वालिटी फ्लैगशिप लेवल टाइप वाली हो, आई थिंक आपके लिए एक फ़ोन है मेरे पास, और ये है नार्जो 70 प्रो, सोनी का फ्लैगशिप वाला इसमें सेंसर यूज़ किया गया था, साथ में इसमें OIS मिलता था, यानी कि वीडियोज़ भी ग्रेट मिलती है। उसके बारे में आगे बात करता हूँ। तो वैसे लुक इसका बहुत ही सही है, गोल्डन वाले एक्सेंट में मिलता है और दिखने में थोड़ा सा ये सही लगता है। 16000 में आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है, बाकी सेल में कभी कभी थोड़ा सस्ता भी आ सकता है। CPU इसका गाइस बहुत ही अच्छा है, Dimensity 7050 है, UFS 2.2 है। अब ये थोड़ा सा गेमिंग सेंट्रिक नहीं बनाया गया है, वैसे Dimensity 7300 सेम में था, थोड़ा बेटर आप मान सकते हैं, बट ये भी नॉट बैड है। सॉफ्टवेयर का सपोर्ट भी अच्छा मिलता है, थोड़ी इशूज़ यहाँ पे HDR प्लेबैक में, यूट्यूब में, अदरवाइज ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। लेट्स टॉक अबाउट दी फोटोज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी, इसमें अच्छी बातें क्या है। देखो अच्छी बात इसमें ये है गाइस कि जो सोनी का 50 MP सेंसर है वो फ्लैगशिप वाला था, तो शॉट्स बहुत ही अच्छे आते हैं, आप किसी भी लाइटिंग कंडीशन लेंगे ना, फोटोज़ ये बहुत ही ज़बरदस्त लेता है, मस्त वाला। और बाकी इसमें अल्ट्रा वाइड मिलता है इस प्राइस रेंज में, बॉक्स में आपको बहुत ही क्रेजी फास्ट चार्जर मिलता है 67 वॉट का, जो कि अभी तक आपने जितने मैंने था किसी फ़ोन में नहीं मिलना था। बहुत सारे ब्रांड्स के फ़ोन बता दिए, अब आप कह रहे होंगे सैमसंग का फ़ोन दिखाओ, लेट्स टेक ये रहा सैमसंग का लेटेस्ट फ़ोन M35। जनरली सैमसंग के फ़ोन ना इस प्राइस रेंज में अच्छे नहीं होते हैं, एक्सेप्ट इस फ़ोन ने फीचर्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। देखो फ़ोन एकदम सॉलिड बिल्ड है, क्रेजी, आपने देखा, मैंने आपको डॉक्टर सबको दिखा रखा है, अच्छा है। इस फ़ोन में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिलती है, जो कि रेयर है, मिलती नहीं इस प्राइस में, आपको 25-30 के फ़ोन लेने पड़ेंगे, वो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। काफ़ी बिग बैटरी है, 6000 mAh की बैटरी बैकअप ज़बरदस्त है, लेकिन बॉक्स में कोई चार्जर नहीं मिलता है। 120Hz का आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है, ऑफकोर्स ये भी बेस्ट पार्ट है। सॉफ्टवेयर देखो कमाल गया है कि यहाँ पे आपको 4 ईयर का मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है, जो कि कोई फ़ोन आपको इस प्राइस में नहीं दे सकता है, कूल पार्ट है। डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर मिलते हैं, ज़बरदस्त साउंड सिस्टम यहाँ पे आप पा सकते हैं। इस फोन का कैमरा बहुत डिसेंट है, बिकॉज सैमसंग का आप जानते हो गाइस कैमरेस अच्छे बनते हैं, ये फ़ोन भी उस टर्म्स में काफ़ी सही क्वालिटी आपको दे रहा है, कैमरा भी इसका ज़बरदस्त मिल रहा है। तो अगर आपको सैमसंग का फ़ोन चाहिए तो ये फ़ोन अच्छी ऑप्शन है। अगर स्टाइलिश फ़ोन चाहते हैं गाइस 17000 में, तो ये रहा लेटेस्ट मोटो का G85। कलर वलर इसका बहुत ही फैंसी है, कूल लुकिंग है, कर्व डिस्प्ले है, 120Hz AMOLED है, जो कि आपको मज़ेदार एक्सपीरियंस दे सकता है। CPU वाइज बेसिकली इसमें वही CPU जो आपको 10000 के मोटो G45 में मिला था, ये भी वही CPU है। तो आपको यहाँ पे लिमिटेशन पता है, आप 4K वीडियो नहीं बना सकते, प्लेबैक नहीं कर सकते, अदरवाइज वैसे ठीक है। देखो स्टॉक एंड वाइड है, कोई एडिशनल ब्लोटवेयर नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। कूल पार्ट ये है कि इस फोन में आपको सोनी का LYT 600 सेंसर मिलता है, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस देता है, और शॉट्स आप काफ़ी सही ले सकते हैं इस प्राइस के हिसाब से। एंड नॉट जस्ट दैट, ये फोन इस प्राइस का बना बेस्ट स्पीकर भी प्रोवाइड करता है, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, पावर्ड बाय डॉल्बी एटमॉस, तो क्वालिटी अच्छी मिलती है। स्लिम फॉर्म फैक्टर में 5000 mAh की बैटरी है, बॉक्स में आपको 33 वॉट का चार्जर मिलता भी है। 18000 में आपको मैं दो सुपर कूल फोन दिखाता हूँ, इस नॉट जस्ट वन, दोनों ही सेम ब्रांड आईकू की तरफ से हैं, G9 एंड दी लेटेस्ट G9S। देखो सेम प्राइस पे हैं दोनों फोन में, सिमिलैरिटीज भी हैं, थोड़े बड़े डिफरेंसेस भी हैं, स्पेक्स आप पढ़ लीजिएगा क्या डिफरेंस क्या अलग है। दोनों फोन हमने यूज़ किए हैं, जेड नहीं ने सभी में यूज़ करूँ, अगर आपको उस फोन का लॉन्ग टर्म रिव्यू देखना है लाइक जस्ट लाइक नॉनस वे कैसा निकल के आता है, तो वो आपको मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा, कमेंट्स में बताइएगा। एनीवेज Dimensity 7200 वर्सेस Dimensity 7300, ये मेन अंतर है। जिनको ज़्यादा परफॉर्मेंस है, मतलब यानी कि अगर आप गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन चाहते हैं 18000 में, तो ये फ़ोन अच्छा है, बिकॉज फ्लैट डिस्प्ले है यहाँ पे, CPU अभी भी बहुत ही पावरफुल है, इवन Dimensity 7300 से ये ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ बिगर कोर में, तो बड़े एप्लीकेशंस ज़्यादा अच्छे चलते हैं। रियर कैमरे में क्या है कि इसमें स्लाइटली सैचुरेटेड फोटोज़ ज़्यादा आती हैं, बाकी सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस आपको दोनों फ़ोन में सेम मिलने वाला है, बट Gen NS ज़्यादा बेटर ऑप्शन तब है अगर आप
नॉन गेमिंग सेंटर देख रहे हैं, परफॉर्मेंस वाइज देखो ठीक है, लेकिन प्रो गेमर्स के लिए है, अदरवाइज ये अच्छा है। इसमें कलर्स मोस्टली नेचुरल लुकिंग आ रहे हैं, सैचुरेटेड नहीं है, सेल्फी दोनों में नियरली सेम आती है, तो डिफरेंस मैंने बता दिया। परफॉर्मेंस के लिए है, डिज़ाइन एंड कैमरे के लिए आप ZNS पे जा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेमर्स के लिए एक्सट्रीम फोन एक है, कार्ड ऑफ लगा के 20,000 मिलता है गाइस, इन्फिनिक्स का GT20 प्रो। 144 हर्ट्ज एमोलेड है जो कि इस प्राइस में मिलती है। लास्ट ईयर कैश 40 डीओ में मिल जाती है, लेकिन वो खत्म हो गया, डिस्काउंटेड है, लेकिन ये अभी तक सपोर्ट कर रहा है। एमोलेड डिस्प्ले है, UFS 3.1 और LPDDR5X है, कम्बाइंड विद डेमेंसिटी 8200 जो कि इस प्राइस का एकदम पावरफुल CPU है। स्कोर भी इसके 8-9 लाख के आसपास देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त वाला है। बाकी कैमरा मैं देखो इसका डिसेंट है, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही तगड़ा वाला, लेकिन हाँ अच्छा कैमरा मिलता है। अनदर स्टाइलिश पार्ट क्या है कि इस फोन में आपको एल शेप की बैटरी का चार्जर मिलता है जो कि गेमर्स के लिए डिज़ाइन किया गया कि वो हाथ में फंसे ना। मैग सेफ, तमाम तरह की कंपैटिबल एक्सेसरीज जो यहाँ पे लग सकती हैं, ये फोन आपके लिए अच्छा है। ऑल्सो कैमरे की बात करते हैं तो ये भी बता दूँ, आप 4K 60 FPS क्लियर कैमरे से वीडियो बना सकते हैं जो कि अगेन इस प्राइस में नहीं मिलता है। 20K गाइस फोन्स मैंने आपको सारे दिखा दिए, एक फ़ोन और आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप जस्ट 1,000 रुपीज़ और बढ़ा सकते हैं, और ये है मोटो H50 फ्यूजन। इस फोन में आपको ऑलवेज डिस्काउंट मिलता है, अगर आप मोटोरोला के ऑफिशियल साइट पर देखेंगे वहाँ पे ऑलवेज आपको 1500 का बैंक ऑफर मिलता है ऑलमोस्ट सारे कार्ड पर, ये फोन आपको 21,000 का ऑलमोस्ट मिल जाता है। देखो अब ये फोन स्पेक्स वाइज अच्छा है, नॉट दी बेस्ट, बट इसमें क्या है कि ये वैल्यू फॉर मनी फोन है, इसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर बहुत ही अच्छे दिए गए हैं। कुछ कॉन्स भी हैं, ऑफकोर्स आप लॉन्ग टर्म रिव्यू चेक कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल अगर आप 21,000 तक जा सकते हैं, वेल राउंडेड फोन चाहते हैं, ऑलराउंडर काइंड ऑफ नॉट दी सुपर प्रो फोन, देन मोटो H50 फ्यूजन अच्छा है, स्पेशली कैमरा सेटअप बहुत अच्छा है, लाइट वेट है, IP68 है जो कि डील ब्रेकिंग होती है बहुत सारे लोगों के लिए, कर्व डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज़ है, ऑफकोर्स HDR नहीं मिलता है लेकिन वैसे ठीक है। इश्यूज क्या क्या हैं, थोड़ा मोड़ा हीटिंग इशू हो जाती है, स्लाइटली लैग भी कर जाता है हैवी परफॉर्मेंस में, तो अगर आप ज़्यादा सुपर कोर परफॉर्मेंस नहीं चाहते हैं तो ये फ़ोन भी आपके लिए अच्छा है। ये रहे हमारे बढ़िया वाले लिस्ट के फ़ोन जो हमने दिखाए आपको 10 से 20,000 में। कोई फ़ोन अगर रह गया होगा दैट मीन्स वो हमारे जो सेट ऑफ रूल्स हैं उसमें फिट नहीं बैठा होगा, बिकॉज हम आपको बेस्ट फोन ही रिकमेंड करते हैं, बाकी गेमिंग हम अलग दिखाते रहते हैं, कैमरा अलग दिखाते हैं। स्टे ट्यून, आपको लगता है नेक्स्ट कौन सा प्राइस चेक करना है वो भी कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा।